ऐसी कई बॉलीवुड फिल्में हैं जिसने दर्शकों को खासा इम्प्रेस किया हुआ है। उन फिल्मों की कहानी ने लोगों के दिल को छू लिया और आज तक सबको याद है। इन मूवीज को IMDB पर काफी अच्छी रेटिंग मिली है। शाहरुख खान और गायत्री जोशी की 2004 में आई फिल्म स्वदेश आज भी लोगों को याद है। फिल्म ने नासा के एक वैज्ञानिक की कहानी बताता है जो अपने बचपन की नानी को खोजने के लिए भारत लौटता है। IMDB पर इसे 8.2 रेटिंग मिली है। वही तारे जमीन पर का निर्माण और निर्देशन आमिर खान ने किया था। इसमें आमिर, दर्शिल सफारी, तनई छेड़ा, विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा शामिल थे। आमिर ने फिल्म में आर्ट शिक्षक की भूमिका निभाई, जिन्हें पता चलता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया है और वह उसे उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराने में मदद करते हैं। IMDB पर इसे 8.3 रेटिंग मिली है। थ्री इडियट्स, जो एक कॉमेडी ड्रामा है जो एक भारतीय कॉलेज में तीन इंजीनियरिंग छात्रों की यात्रा का वर्णन करता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसे 8.4 IMDB में रेटिंग मिली थी। और अजय देवगन की फिल्म दृश्यम की कहानी एक मनोरंजक थ्रिलर है जो एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी बुद्धि और बुद्धि का उपयोग करता है जब वे किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। और इसे 8.2 IMDB रेटिंग मिली है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गैंग्स ऑफ वासेपुर एक अपराध गाथा है जो वासेपुर शहर में कोयला माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। इसे 8.2 IMDB रेटिंग मिली है। फिल्म पिंक एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को दिखाता है। फिल्म तीन महिलाओं पर आधारित है जो झूठे आरोपों का सामना करती है। उनके वकील अमिताभ बच्चन बनते हैं और इसे IMDB पर 8.1 रेटिंग मिली है। फिल्म उड़ान की कहानी बोर्डिंग स्कूल से निकाले गए एक किशोर रोहन की कहानी है जिसे अपने सत्तावादी पिता का सामना करना पड़ता है और इसे IMDB में 8.1 रेटिंग मिली है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।